दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वा कल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली? दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्वा कल्चर फिश फार्मिंग को लेके, क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट में आपको सीखना चाहिए, क्या क्या आपके रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो हमारा रिस्क फैक्टर एक साइट सेलेक्शन ही है। आपने रॉन्ग साइट सेलेक्ट कर ली। रॉन्ग साइट करने का तात्पर्य क्या है कि आपने रॉन्ग टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर ली। मछली के स्पीसीज के अकॉर्डिंग या तो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट नहीं करी, या टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग मछली की स्पीसीज सेलेक्ट नहीं करी, या आपने एरिए के वाइज, जैसे आपका एरिया था तो टेक्नोलॉजी आपने गलत सेलेक्ट कर ली। जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वहाँ पे आपने अच्छा सिस्टम डिजाइन कर लिया, जहाँ पे बड़ा सिस्टम डिजाइन कर लिया वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये देखना है कि आपने जो पद्धति अपनी मछली पालन के लिए सेलेक्ट करने जा रहे हो वहाँ पे सारी चीज़ें उससे रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है, चाहे वहाँ पे सड़क हो, चाहे वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो, चाहे वहाँ पे मार्केट हो, चाहे वहाँ पे पानी हो, चाहे वहाँ पे ऑक्सीजन की इक्विपमेंट हो, चाहे वहाँ पे एकोमोडेशन हो, चाहे वहाँ पे बाढ़ ना आती हो, कोई भी एक्टिविटी मछली पालन से रिलेटेड आपके साइट सेलेक्शन का सबसे बड़ा एक रिस्क मैनेजमेंट हमें सीखना चाहिए कि हमें पथरीली ज़मीन, रेतीली ज़मीन, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, वाटर टेस्टिंग, सोयल टेस्टिंग। तो ये पहले कंपोनेंट में हमें सबसे पहले जो किसान भाई की क्वेरी थी, भाई प्रॉफिट एक्वाकल्चर बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, लेकिन रिस्क फैक्टर्स भी हमारे हमें ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहला रिस्क फैक्टर, बहुत अच्छी साइट सेलेक्शन करें। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या ध्यान रखें, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पहले दिन प्लान करें। ये मैंने बहुत कई बार फार्म पे और अपने फार्म पे भी मैंने ऑब्जर्व किया है, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लान नहीं करते। हम प्लान कर लेते हैं 100 टन, मेरे पास जो अब मैंने सिस्टम डिजाइन करा वो 50 टन का है, मेरे पास लैंड कम है, बस मैंने वो हैचरी वाले की सुन ली है। दोस्तों जैसे एक गाड़ी में 5 बंदे ही बैठ पाते हैं, ऐसे ही पर क्यूबिक मीटर पानी यानी पर 1000 लीटर पानी में, नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में आपको उसकी डिटेल्स भी मिलेंगी, आपको पता है आप कितना बायोमास रेडी कर सकते हैं। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से ही आपका प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते कि प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी कम है और प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे आपका स्केलेबल बिजनेस होगा वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका स्केल भी बड़ा होगा। तो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी आप अपनी एक रिस्क फैक्टर है आपका, कि आप ऐसा मतलब अननेसेसरी हाइपोथेटिकल या जो वर्केबल ना हो, आप ऐसी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपने फार्म पे प्लान कर ले किसी भी मछली के लिए। मेरी इस वाले सीजन की वीडियो कुछ जनरल वीडियोस हैं जो अपकमिंग बंदे हैं, अपकमिंग एंटरप्रेनर्स हैं, उनके लिए कुछ मैं बेसिक्स टच बेस करना चाहता हूँ फार्म से रिलेटेड, क्योंकि स्पेसिफिक नॉलेज वाइज, चाहे वो सीड हो, फीड हो, वाटर हो, बहुत सारी वीडियोज हैं मेरे अवेलेबल यूट्यूब पे, लेकिन कुछ जनरल बेसिक्स कि किसी भी कोई न्यू बिगनर है उसको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा मेन कंपोनेंट टीम, जो अच्छे फार्म पे, जो अच्छे स्केलेबल पे एक एंटरप्रेनर की सोच तरह रख रहा है, वो अपने फार्म पे जनरल लेबर भी रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेटेड टीम, जो मछली से पढ़ी लिखी हो, जो मछली की डिजीज को जज कर पाए, जिसने 4-5 साल मछली में लगाए हो, जिसका 4-5 साल का अनुभव हो, मैंने पहला वर्ड यूज किया, जो एंटरप्रेनर की तरह बड़े स्केल पे सोच रहा हो, वो भी अपने फार्म पे अपनी टीम को एकदम एजुकेट करे, उनकी ट्रेनिंग्स कराए टाइम टाइम पे और अच्छे बंदे हायर करे। पैरेलली अपनी लोकल टीम भी डेवलप करे, क्योंकि आपको लोकल एक्टिविटीज के लिए भी, जो रेगुलर एक्टिविटीज है फार्म की, डे टू डे एक्टिविटीज है, एक्सेप्ट सेल भी मान लेता हूँ, तो भी आपको बहुत अच्छी टीम चाहिए। पैरेलली आपको अपना जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, उस पर तो काम करना, वो भी एक रिस्क फैक्टर में काउंट हम इसलिए करते हैं, आपने बना तो लिया लेकिन आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम ही नहीं है, आपकी मछली स्ट्रेसफुल है, मछली की क्वालिटी का फ्लश अच्छा नहीं है, मछली मार्केट में जा रही है तो सेल नहीं हो रही है, मछली का साइज गेन नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आप वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, और एट लास्ट आप अपने प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी भी कैलकुलेट कीजिए। अभी मैं करंट ईयर का एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत बंदों ने फंगास पाली वॉल्यूम में, लेकिन जो बंदे मछली को ठंड में होल्ड नहीं कर पाए, मैं 100% कह सकता हूँ उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं करा, लेकिन जिन्होंने दिसंबर जैन या मिड फेब तक टाइम निकाल लिया वाटर एक्सचेंज करके, मछली को शिफ्ट करके, या किसी ने स्मॉल टैंक्स में शिफ्ट कर लिया जहाँ पे कम वाटर वॉल्यूम में एक्सचेंज कर रहे थे, तो उन सब की मछलियों ने 20-30 रुपये 25 रुपये पर केजी उन्हें प्रॉफिट दिया। लेकिन आप प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कीजिए, आप कोई ऐसी स्पीसीज तो नहीं कर रहे जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, मार्केट में बेसिक सेल हो जा रही है लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कोई चैरिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो बने रहें अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्मिंग से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।